हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज का अपना टूल बॉक्स का जो टूल है वो है इरेजर टूल, सीजर टूल एंड नाइफ टूल। ओके, ये थ्री टूल्स है। स्टार्ट करते हैं हम इरेजर टूल से। हम लोग देख लेते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे इरेजर, फिर सीजर एंड नाइफ। इसलिए मैंने थ्री बॉक्सेस यहाँ पे लिए। इसको चाहे तो हम ऐसे आउटलाइन में रख देंगे। आपको मैं समझा देता हूँ वो क्यों ऐसे। सो फर्स्ट इज़ द इरेजर टूल। मैं यहाँ पे इरेजर टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो इसका इरेजर का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ टूल को। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में आप देख लो, ये एंगल एक है जो मैं करंटली ज़ीरो रखा है, राउंडनेस 100 एंड साइज इज़ 100। इस साइज़ को मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ पे 30 रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो नाउ इरेज करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे ये इरेज कर रहा है। ओके, अगेन इसको मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या हुआ है, ये कंप्लीट एक बॉक्स था। अभी उसमें उसने जैसे ही इरेज किया, इस सारे पार्ट्स इसके अलग हो गए। तो इरेजर टूल का कुछ ऐसा है कि वो पार्ट्स इरेज करेगा, जितना भी पोर्शन चाहिए उतना, प्लस आप उसको यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट इरेज करोगे तो वो उस पार्ट को अलग भी कर देगा और अलग ऑब्जेक्ट बना देगा। तो इसी तरह से आप कंप्लीट इरेजर टूल से ये पूरा ऑब्जेक्ट या पूरा बॉक्स भी इरेज कर सकते हो। इसमें जो ऑप्शन है डबल क्लिक करने के बाद, ये ऑप्शंस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे साइज़ तो आपको पता चल गई क्या है, जो इरेजर की साइज़ रहती है। एंगल में और राउंडनेस में आपको एक बार दिखा देता हूँ। राउंडनेस में ऐसा है, अगर आप राउंडनेस इसे कम करते हो तो यहाँ पे देखो आपका जो इरेजर का जो शेप रहेगा वो ऐसे रहेगा, और एंगल 45 डिग्री रखोगे तो ऐसे। इसमें ये कैसे इरेज करेगा, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो ये कुछ इस तरह से इरेज करेगा वो। इवन तो ऐसे ऐसे भी आप इरेज कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वो पर्शन उसका इरेज हो रहा है। ओके, तो आपको सेटिंग में ये सारे चेंजेस करने हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंड है। ओके, मैं करंटली इसको रीसेट करके एंगल 0, राउंडनेस 100 एंड साइज 30 रख रहा हूँ। ये मैं ऐसे ही रखता हूँ। नेक्स्ट हम जंप करते सीजर टूल के साथ। सीजर टूल के लिए मैंने एक बॉक्स लिया लेकिन जिसको फिल नहीं है, एक आउटलाइन है। सो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सीजर टूल। सीजर टूल बेसिकली अगर आपको यूज़ करना है, किसी ऑब्जेक्ट को कट करना है, तो बहुत सिंपल है। उसका जो पाथ रहता है या एक लाइन या सेगमेंट, उस पर आप कहीं पे एक क्लिक करो। यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया एक रेड डॉट आ गया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ सीजर टूल से मैं यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे भी एक रेड डॉट आ गया। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको, इस बॉक्स को थोड़ा सा मूव करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे मूव करता हूँ। इसने देखो ये सीजर ने कट कर दिया। अब जो पार्ट कट किया है अगेन उसको भी हम थोड़ा और कट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे। तो अगेन सीजर टूल ने इसको भी अलग कर दिया। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था एक कंप्लीट स्क्वायर जो फिल भी हो सकता था, उसको अभी सीजर टूल ने एक इंडिविजुअल लाइन बना दिया है। तो दिस इज़ इंडिविजुअल लाइन और सेगमेंट। याद रखना सीजर टूल जब भी आप यूज़ करते हो तो कुछ इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद अपना लास्ट टूल जो है वो है नाइफ टूल। इसके लिए भी एक मैंने फिल बॉक्स लेके रखा है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ नाइफ। नाइफ टूल भी काफ़ी सिंपल है। सिंपली आपको एक रैंडम शेप ऐसे कट करना है जैसे आप चाहो। मैंने रैंडम शेप में कट करके बताया, आप चाहो तो उसको कुछ ऐसे भी कट कर सकते हो। ओके, या तो फिर कुछ ऐसे, देखते क्या डिफरेंस आता है। ये देखो इसने ये पार्ट इसका अलग किया है, ये अलग किया है, और ये एक छोटा ट्रायंगल एक अलग किया है। तो बेसिकली इसमें भी उसने
पार्ट्स डिवाइड किए। तो रिकॉल करते हैं थ्री टूल्स को। इरेजर टूल में वो पाथ इरेज करता है, प्लस अगर आपने यहाँ से कंप्लीट इरेज यहाँ से किया है तो वो पार्ट उसका वो अलग कर डालेगा। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्लिक कर रहे हो तो कुछ वो पार्ट ऐसे इरेज करेगा। इसके बाद सीजर टूल जो लाइन को ब्रेक करके उन पार्ट्स को अलग अलग बना देता है। एंड द लास्ट वन इज़ नाइफ टूल। इसमें आप रैंडमली नाइफ घुमा के यहाँ पे ऐसे उस ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इरेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कट हो रहा है। याद रखना डिफरेंस इन तीनों टूल्स में। ओके गाइस, सो दिस वाज इट। द लेसन इज़ ओवर हियर गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। टेक केयर गाइस, बाय, सी यू सून।